योगी को परम पद की प्राप्ति। श्री गुरु अर्जुन देव जी ने अपने गुरु पिता के वचन याद किए कि हमारी सेवा इन तीर्थों की सेवा है। इस प्रकार अमृत सरोवर के बाद संतोख सर तीर्थ की सेवा आरंभ करने का विचार बनाया। इस सरोवर को श्री गुरु रामदास जी द्वारा आरंभ कराया गया था। खोदे हुए गड्ढे में वर्षा का पानी एकत्रित हो गया तथा चारों ओर बेरियों और वृक्षों के झुंड थे। सेवा का ऐसा विचार रखते हुए श्री गुरु अर्जुन देव जी कुछ सिखों को साथ लेकर एक टहली के नीचे आ बैठे। बहुत से मजदूरों और कुछ सिख सेवकों को सरोवर खोदने के लिए लगा दिया गया। सभी जोश व लगन के साथ सरोवर की खुदाई में लगे हुए थे। एक दिन मिट्टी के नीचे से एक गोलाकार मठ निकला जिसमें योगी समाधि लगाए बैठा था। गुरुजी ने उसको मक्खन कस्तूरी व केसर की मालिश उसके सिर व पैरों पर कराकर समाधि खुलवाई। जब उस योगी ने बाबा बुद्धा जी व गुरुजी को सामने खड़ा पाया तो पूछने लगा कि यह कौन सा युग है और आप कौन हैं? बाबा जी ने बताया, अब कलयुग है तथा जो उनके पास खड़े हैं वह श्री गुरु नानक देव जी की गद्दी पर विराजमान पांचवें गुरु अर्जुन देव जी हैं। उस योगी ने जैसे ही बाबा जी की बात सुनी तो झट से कहा कि मेरा तप पूर्ण हो गया है। मेरे गुरु का वचन हुआ था कि जब कलयुग आएगा तो तुम गुरु अवतार के दर्शन करोगे और सभी तुम्हारा कल्याण होगा। आज यह समझ आ गया है, मेरे मन को शांति मिली है। यह वचन करके योगी ने हाथ जोड़ दिए और गुरुजी को नमस्कार की। इसके पश्चात अपना शरीर त्याग कर परम पद को प्राप्त हो गए।